इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 5 के अंदर अगर हमारा फ़ोन हीट होता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाना होगा। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम अपडेट में जाना होगा और यहाँ पर अपने फ़ोन को जो है आपको अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे तो आपकी जो अपडेटिंग में प्रॉब्लम होगी वो सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं सोल्व होती है तो फिर नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर स्टोरेज में जाइए। स्टोरेज में जाने के बाद क्लीनर में जाइए और क्लीनर में जाने के बाद यहाँ पर जो आपका एक्स्ट्रा डेटा रहता है तो उसको डिलीट मत कीजिए, क्योंकि कभी डेटा फुल रहता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद बैक लाइए और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाइए। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीसेट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो अपने फ़ोन को फॉर्मेट मार लीजिए। फॉर्मेट मारने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा कि ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सबसे एंड में करिएगा, पहले उन दोनों ऑप्शन को कर लीजिएगा, क्या पता आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत वगैरह हैंग तो या हीटिंग तो होता ही है, उससे डरने की कोई बात नहीं है। आप बड़ा गेम चलाते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितना भी प्रोसेस किया मैं Redmi Note 5 Pro में किया, आप Redmi के किसी भी फ़ोन में प्रोसेस कर सकते हैं। अगर नहीं होता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई फीचर नहीं मिल पाता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूँगा।